अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम ऐसे लोग पढ़ने वाले हैं वो है 1.3.2, जिसमें कह रहा है फैक्टराइज द पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल, अब दो एग्जांपल दिए गए हैं। सपोज इसको हम कह देते हैं ए और ये हमारे पास क्या है, बी है। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि इनको फैक्टराइज करें और इनके एग्जांपल को भी हम फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले मैं ये लेता हूँ, इसमें से ये साइड हम ले लेते हैं। क्या है, अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मुझे फैक्टराइज करना है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, ठीक है देखना, माइनस माइनस वन वाई स्क्वायर। माइनस वन क्यों दिया, क्योंकि जब ये माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होगा और वन वाई से मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही हो जाएगा। ठीक है, प्लस का वाई स्क्वायर। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वन किसके बराबर है, आयोटा के, आयोटा स्क्वायर के। तो इधर मैं लिखूँ आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। देयर फोर मैं कहूँ कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों को मैं एक करके लिख सकता हूँ, आयोटा वाई होल स्क्वायर। अब इन पे फार्मूला लग रहा है कौन सा, ए प्लस बी ए माइनस बी का, जो बराबर है ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई एंड ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस आयोटा वाई। अब ये हमारे पास हो गया, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई के। फैक्टोराइज क्या करना है, इसके सिर्फ लीनियर फैक्टर बनाने। अब देखें ये दोनों आपस में क्या है, लीनियर है, इनमें जो भी वेरिएबल उठाओ उनकी पावर क्या है, वन है। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ए जेड स्क्वायर प्लस 25। भाई इसको फैक्टोराइज करो, हम कहते हैं ठीक है अगर मैं इसको फैक्टोराइज करने आऊँ तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जेड स्क्वायर। अब प्लस को हमें माइनस में ख़त्म करना है, तो इधर मैं माइनस दूंगा तो इधर क्या लगाऊंगा, इधर हम लगाएंगे माइनस वन और ये आपका 25 से। माइनस वन क्यों लगाया, क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम प्लस आएगा और वन को किसी से भी मल्टीप्लाई करें वही नंबर रहेगा। मजीद इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जेड स्क्वायर माइनस, अब माइनस वन किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर के। इसको भी अगर स्क्वायर में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, फाइव स्क्वायर। तो मजीद मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो जेड स्क्वायर माइनस आयोटा फाइव होल स्क्वायर। अब अगर मजीद देखें तो अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया कौन सा, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो बराबर होता है प्लस बी मतलब जेड प्लस फाइव आयोटा एंड ए माइनस बी मतलब जेड माइनस फाइव आयोटा। अब ये बराबर हो गया किसके, जेड स्क्वायर प्लस 25 के। ठीक है, ये हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली इक्वेशन की फैक्टराइजेशन की और एक एग्जांपल। अब दूसरी इक्वेशन क्यूब वाली का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी नहीं तो लेंथी हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा।